Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Javed and today we have topic access specifier in C++ or access modifier in C++. So most important topic of the object oriented programming. So let us start. Access specifiers. The commands that are used to specify the access level of class members are known as access specifier. So, see another definition. The commands that determine whether a member of a class can be accessed from outside the class or not are called member access specifiers. So, access specifier वो commands होते हैं जिनकी मदद से क्लास के मेंबर की एक्सेसिबिलिटी मालूम की जाती है कि जी एक क्लास का मेंबर कहाँ तक एक्सेसिबल है, कहाँ तक इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं या इनहेरिट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर आर यूज्ड, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. सो तीन किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर यूज होते हैं. एक प्राइवेट है, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है. एक एक को जरा डिटेल करके देखते हैं. प्राइवेट स्पेसिफायर. द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास. जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है ये मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट कर देता है कि जी वो क्लास के अंदर यूज होगा, क्लास से बाहर यूज नहीं हो सकता. Any member of the class declared with the private access specifier can only be accessed within the class. So, किसी member को जब हम private के साथ define करें, private access specifier के साथ define कर दें या declare कर दें, तो सिर्फ और सिर्फ class के अंदर use होगा, class के अंदर access होगा, वो member class से बाहर वो access नहीं होगा. It cannot be accessed from outside of the class. Class से इसको बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते. इट इज ऑल्सो द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर. पॉइंट की बात है, अगर हम किसी मेंबर के साथ एक्सेस स्पेसिफायर को मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होगा वो प्राइवेट होगा. यानी क्लास के जितने मेंबर्स हैं बाय डिफॉल्ट ये सारे प्राइवेट होते हैं. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है हमारे पास, द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज टू अलाउ द यूजर टू एक्सेस ए क्लास मेंबर विद इन द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास. किसी मेंबर को जब हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से डिक्लेयर कर लेते हैं तो वो क्लास के अंदर भी यूज होगा और क्लास से बाहर भी यूज हो सकता है. एनी मेंबर ऑफ द क्लास डिक्लेयर विद द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी एक्सेस्ड फ्राम एनी वेयर इन द प्रोग्राम. जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर किसी मेम्बर के साथ लग जाता है तो वो मेम्बर प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है, पूरे प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर सकते हैं. नॉर्मली मेम्बर फंक्शंस आर डिक्लेयर एज अ पब्लिक. हमारे पास क्लास में दो किस्म के मेम्बर होते हैं, एक डेटा मेम्बर होते हैं, दूसरे फंक्शन मेम्बर्स होते हैं. सो फंक्शन मेम्बर अमूमन पब्लिक डिक्लेयर किए जाते हैं. The data member can be declared as a public. The data member can be also declared as a public. अगर जरूरत होती है तो data member को भी हम public के तौर पर declare कर सकते हैं. Protected access specifier. Protected access specifier is similar to that of the private access specifier. The difference is that the class member declared as a protected or inaccessible outside the class, but they can be accessed by any subclass derived class of the dead class. Protected जो data access specifier जो है वो तकरीबन private access specifier से मिलता जुलता है. इसमें जो basic फ़र्क है वो ये है कि जी किसी member को जब हम protected declare करें वो class के अंदर use होगा, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता प्राइवेट की तरह. लेकिन ये जो प्राइवेट
एक्सेस स्पेसिफायर है या इसका जो मेंबर है वो इनहेरिट हो सकता है बेस क्लास से डिराइव क्लास में, इन डिराइव क्लास में ये एक्सेसिबल है, डिराइव क्लास में ये काम कर सकता है। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट हमारे जो कमिंग टॉपिक्स है उसमें हम इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट द इनहेरिटेंस, डिराइव क्लास किस तरह बनती है, सब क्लास क्या है, बेस क्लास क्या है, इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इसका एक चार्ट है, चार्ट में एक नज़र इसको देखते हैं। प्राइवेट जो है क्लास के अंदर यूज होगा, डिराइव क्लास यानी इनहेरिट नहीं हो सकता है और क्लास से बाहर भी यूज नहीं होगा, प्रोटेक्टेड यूज विद इन द सेम क्लास, उसी क्लास में यूज हो सकता है, इनहेरिट हो सकता है, चाइल्ड क्लास में भी इसको यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास इसको यूज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक विद इन सेम क्लास यूज होगा, चाइल्ड क्लास में भी यूज हो सकता है, डिराइव क्लास में भी यूज हो सकता है और आउटसाइड ऑफ द क्लास भी इसको यूज कर सकते हैं। सो ये जो हमारा सेंटर वाला कॉलम है इन डिराइव क्लास, इंशाल्लाह ये हम इनहेरिटेंस टॉपिक में फिर पढ़ेंगे, तब हमें पता लगेगा कि डिराइव क्लास किसको कहते हैं, बेस क्लास किसको कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है जी, इसको हम वहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमें पता लगे। प्री प्रोसेसर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्लास बनाते हैं, सपोज हेलो नाम से, मैं टाइम बचाने के लिए जरा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, हमने प्रोग्राम टाइप कर दिया, जरा इसको एक रिव्यू करके देखते हैं। प्री प्रोसेसर इंक्लूड हाइव स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास हेलो लिया, उसका ओपनिंग ब्रेस स्टार्ट किया, प्राइवेट फुल कोलन इंट स्पेस ए कमा बी सेमी कोलन। सो एक दो वेरिएबल मैंने इंटीजर ले लिए और इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो मैंने क्या रख दिया है, प्राइवेट रख दिया। फिर मैंने पब्लिक फुल कोलन वाइट सिट डेटा और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर इसके पेरेंट्स के अंदर इंट स्पेस एक्स कामा स्पेस इंट स्पेस वाई पेरेंथिस क्लोज, एक दो लोकल मैंने वो ले लिए, पैरामीटर ले लिए, ठीक है जी। ये क्या करेंगे, जब इस फंक्शन को वैल्यू आएंगी तो एक्स एक वैल्यू इंटीजर स्टोर करेगा और दूसरी वैल्यू वाई स्टोर करेगा, फिर एक्स के पास जो वैल्यू आएगी वो मैंने किसको दे दी, ए को दे दी। अब देखो मैं यहाँ पर ए को एक्सेस कर रहा हूँ, याद रखिए ए को मैं यहाँ पर सेट डेटा के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ और सेट डेटा इस क्लास के अंदर है। सो ए जो मेरे पास डेटा मेंबर है वो प्राइवेट है और ये देखिए ये क्लास के अंदर एक्सेस हो रहा है। इसी तरह देखो मैं बी को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ वाई की मदद से, तो बी को भी एक्सेस कर रहा हूँ और ये सेट डेटा के अंदर है और सेट डेटा भी क्या है, क्लास के अंदर है। सो क्लास के अंदर हम ए और बी को एक्सेस कर रहे हैं। फंक्शन क्लोज किया, फिर दूसरा फंक्शन वाइट शो मैंने ले लिया, शो डेटा और सी आउट करके ए की वैल्यू और सी आउट करके बी की वैल्यू, फंक्शन क्लोज किया और फिर देखो यहाँ पर मेन जो हमारे पास क्लास है ये क्लोज हो गया हेलो क्लास। यहाँ पर आते हैं मेन में, इंट मेन मैंने लिया, मेन का फंक्शन लिया, उसकी ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस मैंने लिए, हेलो मैंने क्लास लिया और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया किस नाम से, ओ बी जे नाम से सेमी कोलन। फिर देखो मैं ओ बी जे डॉट सेट डेटा और उसमें सेट डेटा के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, सेट डेटा को कॉल कर रहा हूँ, उसमें 100 और 200 को क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। सो 100 आएगा किसको, एक्स को आएगा, 200 आएगा किसको, वाई को आएगा।
यानी ये होल्ड करेगा 100, एक्स और वाई होल्ड करेगा 200। एक्स वैल्यू देगा किसको, ए को, वाई वैल्यू देगा किसको, बी को। सो ए बी को 100 और 200 मिल जाएंगे। फिर ओ बी जी डॉट शो डेटा की मदद से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। चलो देखते हैं, सो गौर से देखिए, यहाँ पर ए इक्वल क्या 100, बी इक्वल क्या 200। सो ये देखो, ये हमें डिस्प्ले दे रहे हैं शो डेटा की मदद से। अब हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को वैल्यू डायरेक्ट भिजवाते हैं बाहर से, क्लास से बाहर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। सो देखो, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक मेंबर को पब्लिक कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमारे पास दो डेटा मेंबर हैं ए और बी, इससे मैं क्या करता हूँ, बी को पब्लिक कर लेता हूँ। तो सीमी कॉलोन इधर लगा लेता हूँ ए के बाद, और नीचे कहता हूँ क्या, पब्लिक क्या फुल कॉलन एंट बी मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, क्लास क्लोज करने के बाद हेलो का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के बाद पूरे वैल्यू मैंने कॉल कर दी और बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, कह रहा हूँ ओ बी जे डॉट क्या बी, और बी में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ क्या, इन केस वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 700। अब यहाँ पर जो एक्सेसिंग है ना, ये जो देखो बी एक्सेस हो रहा है, ये क्लास से बाहर है क्योंकि इसका क्लास यहाँ पर क्लोज हो रहा है। देखो क्लास सीमी कॉलन, यहाँ पर हेलो का क्लास क्लोज हो गया है, ये हम बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं काम करते हैं क्या नहीं। चलो और से देखिए, एक की वैल्यू क्या 100 जो यहाँ से चली गई, 200 भी चला गया है, ठीक है जी। लेकिन फिर यहाँ पर जब कंट्रोल आ गया ना, तो ओ बी जे डॉट बी में क्या असाइन कर दे 700। तो देखो b इज इक्वल टू 700 हमें डिस्प्ले दे रहा है, देख रहे ना। ओके जी, अब जरा हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि जी प्राइवेट डेटा मेंबर क्लास से बाहर एक्सेस होता है कि नहीं, राइट। मैं इधर आता हूँ, इधर यहाँ पर कहता हूँ, बल्कि से ऊपर कहता हूँ, चलिए ओ बी जे डॉट ए इज इक्वल टू 500, obj डॉट ए इज इक्वल टू 500। ए जो मेरे पास है ना, ये यहाँ पर प्राइवेट डेटा मेंबर है, और हम डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ चुके हैं कि जी ये क्लास के अंदर एक्सेस होगा, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होगा। लेकिन बहरहाल फिर भी हम कोशिश करें कि जी क्लास से बाहर एक्सेस करने की हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए ये यहाँ पर हमें एरर दे रहे हैं, क्यों एरर दे रहे हैं, गौर से देखिए, ये हेलो स्कोप रेजोल्यूशन इज क्या प्राइवेट, ये प्राइवेट है और इसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोशिश की बाहर से एक्सेस करने की, ठीक है जी। सो आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बहरहाल फिर भी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरी है, कोई सजेशंस है, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी पर, ठीक है जी, मेरे सामने सेल नंबर ईमेल आईडी दी गई, इस पर आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू जी।